पूरे क्रिकेट जगत में मच गया कोहराम। पहले से ही फिक्स था भारत और पाकिस्तान, टूट गया पाकिस्तानी फैंस का अरमान। कैसे मच गया क्रिकेट जगत में कोहराम और पहले से ही कैसे फिक्स था भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला है मुकाबला, बताएंगे आपको सब कुछ आज के इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही आप भी पाकिस्तान के इस हार का सबसे बड़ी वजह किसे मानते हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे विश्व कप 2023 का 12वां मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। आपको बता दें कि इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर आज पाकिस्तान की ओर से अब्दुल्ला शफीक और इमाम उलक की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 41 रनों की साझेदारी भी हुई। हालांकि पहले विकेट के तौर पर अब्दुल्ला शफीक के तौर पर पाकिस्तान को पहला झटका लगा, जो 20 रन बनाकर पवेलियन लौट चले। आपको बता दें कि इसके अलावा इमाम उलक ने 36 और बाबर आजम ने 50 रनों की पारी खेली। वहीं विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान मैच 49 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। आपको बता दें कि एक वक्त पाकिस्तान की टीम का स्कोर मैच 73 रनों पर 2 विकेट था, लेकिन इसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पारी को संभाला और दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी भी हुई। लेकिन अचानक मैच में कुछ ऐसा रुख पलटा कि पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाज लगातार आउट होते चले गए और पाकिस्तान की पूरी टीम 42.5 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 191 रन ही बना सकी। 191 रनों के जवाब में भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा और सुमन गिल पारी की शुरुआत करने आए। इस मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दमदार पारी खेली और टीम इंडिया की जीत की कहानी लिखी। वहीं श्रेयस अय्यर ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान की इस हार के बाद फैंस के जहन में भी कई तरह के सवाल आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ जाका अशरफ भारत पाकिस्तान मुकाबले के दौरान भारत आए हैं और उन्होंने बीसीसीआई के चीफ जयसा से मुलाकात की और भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर उनसे बातचीत भी चली और ये बातचीत काफी लंबी थी। इस मुकाबले को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का यह मानना है कि यह मैच पहले से ही फिक्स था और जाका अशरफ ने यह गंदी हरकत की है। आप भी भारत पाकिस्तान मुकाबले पर अपनी राय जरूर दें। आपके मुताबिक यह मुकाबला पहले से ही फिक्स था या पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को अपनी गलती की वजह से हारी है, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।